आज का दंगल G20 की शानदार सफलता के बाद घरेलू सियासत में मचे घमासान पर है। मोदी सरकार ने भारत में G20 शिखर सम्मेलन का ऐसा भव्य और सफलतम आयोजन किया कि दुनिया के हर कोने तक उसकी प्रसिद्धि की चर्चा है। प्रसिद्धि भी है, चर्चा भी है, तारीफें भी हैं, अपने अपने शब्दों में लोग बधाइयां भी दे रहे हैं। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी को बधाई संदेश भेज रहे हैं, बधाई विपक्ष की ओर से भी दी गई है, लेकिन घरेलू सियासत में कई संगीन सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि गरीब देश भारत के 4100 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए। कोई कह रहा है कि सोने की थाली में 56 भोग परोसे और करोड़ों लोग 5 किलो अनाज के भरोसे, तो किसी का कहना है कि ऐसा मंडपम बनाया कि पानी पानी हो गया। तो कोई कह रहा है कि विपक्षी दलों के नेताओं को डिनर पार्टी में क्यों नहीं बुलाया गया। डिनर पार्टी को लेकर तो ऐसा घमासान है कि कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी तक को नहीं छोड़ रही। उधर जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति ने वियतनाम में जो मोदी सरकार को मानवाधिकार पर लेक्चर वाली बात कही है, उसे लेकर भी विपक्षी दल मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि विरोधी दलों को भी पता है कि इस G20 में पीएम मोदी ने क्या इतिहास रचा है, कैसे दुनिया के नजरअंदाज किए 54 मुल्कों को मुख्य धारा की राजनीति मिलाकर खड़ा किया है, कैसे चीन के कर्ज जाल में फंस रहे गरीब देशों की मुक्ति का उपाय रचा है, कैसे आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ विश्व में सहमति बनाई है और कैसे वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलने के लिए दुनिया को तैयार किया है। फिर भी घरेलू सियासत ऐसी है कि G20 के सम्मेलन को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। फिजूल खर्ची से लेकर घोटाले तक और गरीबी को छिपाने से लेकर मानवाधिकार तक के सवाल विपक्ष की ओर से दागे जा रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारत में G20 के सम्मेलन ने इतिहास रच दिया। अमेरिका से लेकर इटली तक, फ्रांस से लेकर जर्मनी तक, अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, सातों महादेशों में इस आयोजन की धूम है। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी को शानदार आयोजन और सकारात्मक सम्मेलन की बधाइयां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बधाई। आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बधाई। आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। लेकिन घरेलू सियासत की आदत से लाचार राजनीति में कोई 4100 करोड़ रुपए खर्च करने पर सवाल उठा रहा है, कोई भारत मंडपम में जलभराव से दुखी है, किसी को गरीबी छिपा देने का अफसोस है, तो कोई इसलिए परेशान है कि बिहू डांस ठीक से नहीं कराया गया। लोगों को बुला के इतना खर्चा कर गया, देश का प्रॉपर्टी बर्बाद करके, देश की आम आम जनता को क्या फायदा होगा? आपको दूर दराज रहने वाले आदमी को बताना पड़ेगा कि ये जो भारत मंडपम के अंदर भोज हुआ, उससे उसकी थाली के अंदर क्या दाल बढ़ेगी, चावल बढ़ेगा? The attempt to hide poverty rather than to deal with the poor and assist them during this difficult time, this was really disappointing. The second negative in terms of the summit itself was the complete failure to accommodate the opposition. हालांकि विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, भोज में मौजूद थे, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन थे, वे भी भोज में थे, यहां तक कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के सीएम सुखविंदर सुक्खू भी भोज में मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस की शिकायत है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भोज में क्यों नहीं बुलाया गया और ममता बनर्जी क्यों चली गयी। पार्लियामेंटरी विरोधी दल नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का आह्वान जाना होय नहीं लागलो पड़तो कि रकम टान आगे भागे उड़े गए दिल्ली का अवस्थान करछे নৈশ ভোজে যোগীর পাশে বসে অমিত শাহর পাশে বসে নৈশ ভোজন করবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। কংগ্রেস অধ্যক্ষ নে তো সিরিয়াল নাকামিয়া গিনা দি, লিখা কি গরিবো কি থালি 24% মহঙ্গি হো গই, বেরোজগারি 8% পর পৌঁছ গই, জম্মু কশ্মীর মে 13000 করোড় কা জল জীবন ঘোটালা হো গয়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পর 3 লাখ করোড় দেনে কা দবাব থা, অখিলেশ নে লিখা কি সোনে কি থালি মে 56 ভোগ অর করোড়ো লোগো কো বাস 5 কিলো অনাজ। बड़े आरोप G20 के आयोजन पर हुए खर्च को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। आंकड़ा गिनाया जा रहा है कि 2017 में जर्मनी ने 642 करोड़ रुपए खर्च किए, 2018 में अर्जेंटीना ने 931 करोड़ रुपए खर्च किए, 2019 में जापान ने 2660 करोड़ रुपए खर्च किए, 2022 में इंडोनेशिया ने 364 करोड़ रुपए खर्च किए और 2023 में भारत ने 4100 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। कांग्रेस कह रही है कि इतना खर्च करने के बावजूद 3 दिन दिल्ली में जो बंदिशें लागू रही उसमें 1000 करोड़ रुपए के कारोबार का भी नुकसान हो गया। फिर भी इतनी शानदार मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने के बाद भारत से जाते ही अमेरिका के राष्ट्रपति को मौका मिला तो उन्होंने भारत को मानवाधिकार का सम्मान करने की नसीहत दे डाली। As I always do, I raise the important
of respecting human rights and the vital role the civil society and a free press have in building a strong and prosperous country. ये बात एक विदेशी राष्ट्रपति द्वारा कहे जाना जो है ये चिंता का विषय है और इसके लिए आत्मचिंतन होना चाहिए। फिलहाल विपक्ष G20 के बेमिसाल आयोजन के बाद भी मोदी सरकार के खिलाफ आलोचना धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन इस आयोजन ने पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ा दी। मोदी सरकार ने 54 देशों के समूह को मुख्य धारा की जियोपॉलिटिक्स में शामिल किया। चीन के कर्ज जाल में फंसते जा रहे अफ्रीकी देशों के लिए विकास फंड का इंतजाम की शुरुआत कर दी। चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव की काट मोदी सरकार ने दुनिया को दी। आतंकवाद, टेरर फंडिंग और पड़ोसी देशों की संप्रभुता के खिलाफ हरकतों के विरोध की बात दिल्ली घोषणा पत्र में डाली। 3 दिन में 17 द्विपक्षीय बैठकों में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस से लेकर एग्रीकल्चर तक के दर्जनों समझौते किए और इस लिहाज से इस G20 सम्मेलन के आयोजन को 100% सफल आयोजन कहा जा रहा है। हालांकि विपक्ष अब G20 से आगे 2024 के सियासी सवाल उठाने लगा है। आज तक ब्यूरो। विदेश में मान तो देश में क्यों घमासान, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। घनश्याम तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही प्रवक्ता LJPR के अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी की ओर से सीधा हमला किया गया है, उनकी ओर से कहा गया है कि गरीबी को छिपाने की कोशिश की गई है इस G20 के कार्यक्रम में और वास्तविकता को छिपा देने से सच छिप नहीं जाता है। साथ ही ममता बनर्जी की ओर से कहा जा रहा है कि G20 में कमल के फूल का इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों किया है बीजेपी ने, दोनों का ही जवाब दीजिए। देखिए, जब आप ये कहें कि राहुल गांधी जी द्वारा सीधा हमला किया गया, चित्रा जी, तो मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। हमें अब ये कहना चाहिए कि राहुल गांधी द्वारा उल्टा सीधा हमला किया गया है, क्योंकि हमला करना और इस ढंग की बात करना ये उनकी फितरत में शामिल है। अब ये जो बात कह रहे हैं गरीबी को छुपाने की कोशिश, क्या भारत में तो गरीबी से इतने लोग बाहर निकले, ये IMF की रिपोर्ट ने कहा है, वो IMF जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह काम कर चुके हैं। अगर राहुल गांधी जी को विश्वास नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस संस्थान में काम कर चुके हैं तो अलग बात है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, एशियाड हुआ था 1982 में जी, और 1983 में नॉन अलाइन समिट हुई थी, पूरी झुग्गी झोपड़ियां हटा दी गई थी, यानी उन सबको खदेड़ दिया गया था और कोई प्रॉपर रहने की जगह नहीं दी गई थी। विपक्ष के कई नेताओं ने उस समय बोला था कि इंदिरा जी का गजब का तरीका है गरीबी हटाने का, गरीब हट गए, गरीबी हट गई, दिल्ली में लाखों गरीबों को हटा दिया गया था। इसलिए मैं कहता हूं बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, यहां तो कौन सी छुपाने की बात, एक यथार्थ की स्थिति दिखाई जाती है। जो देश की इतनी उभरती हुई शक्ति भारत की दिखी जी, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट आ गया जो बाली में नहीं आ पाया था। बिल्कुल, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ विघ्न में संतोष है। बताइए, पूरी दुनिया के बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे थे और भारत में सहमत दिखा रहे थे, पता नहीं राहुल गांधी जी कौन सी उल्टी चाल को चलते हुए विदेश चले जा रहे थे और भारत के बारे में अनापेक्षित, अवांछनीय, आपत्तिजनक टिप्पणियां करते जा रहे थे। तो मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए कि भाई ये सब बाहर आए थे, ये सारे वो देश हैं जहां जाके राहुल गांधी ने भारत के बारे में ज्ञान दिया है। जर्मनी था तो जर्मनी के भी वो लोग शून थे, ये ब्रिटेन में थे तो वहां ऋषि सुनक यहां पे थे, अमेरिका था जहां से जाके इन्होंने ज्ञान दिया, उन देशों की बात बता रहा हूं, वहां के जो बाइडेन थे और उनके ननिहाल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी थी और ये सब मोदी जी की प्रशंसा कर चुके हैं। मगर ये है कि भाई जिसके मन में कोई चश्मा चढ़ा हुआ हो तो उस चश्मे के थ्रू अगर दृश्य को देखना चाहे तो मुझे लगता है दोष चश्मे का है, दृश्य का नहीं। आलोक शर्मा जी, वो कह रहे हैं दृश्य का दोष नहीं है और जिस तरह की प्रसिद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है G20 के सफलतम आयोजन से, वो कांग्रेस पार्टी को दरअसल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि देश की प्रसिद्धि हो बहुत अच्छी बात, लेकिन देश की विदेश नीति एक व्यक्ति की छवि सुधारने के लिए पूरी तरह से झोंक दी जाए, हजारों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद आउटकम पे नाम पर यह आए कि मोदी जी की छवि विश्व में बहुत अच्छी हो गई है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की छवि को क्या हुआ, देश की छवि को क्या होगा, देश की छवि के सहारे हमें क्या मिला,
चर्चा इस पर होनी चाहिए। मोदी जी की छवि विश्व में बढ़ गई है, देश की छवि नहीं बदली है क्या? बाइडेन थे जिन्होंने ढाई साल तक मोदी जी की ओर से देखिए नेतृत्व चूंकि अध्यक्षता भारत कर रहा था। आप आलोक जी सवाल सुन लीजिए, तो क्या उससे देश को फायदा नहीं मिला है? बहुत सारे मुद्दों पर हिंदुस्तान ने जो ताकत दिखाई है रूस यूक्रेन के संदर्भ में, क्या उससे देश की छवि मजबूत नहीं मिली है? चीन के संदर्भ में क्या देश की छवि मजबूत नहीं हुई है? आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है, सुनिए ना, हाँ बिल्कुल, चीन के संदर्भ में देश की छवि मजबूत हुई है। चीन कई जगह हमारे देश में घुसकर बैठा है, वो बाहर चला जाएगा रात को अब, और आज तक के स्टूडियो में बता के जाएगा नौक करके कि हम मैं बाहर जा रहा हूं। अब छवि अच्छी हो गई है, ये स्व विश्व गुरु जो साहब है ना, स्व घोषित जो विश्व गुरु साहब है, और उनके पीछे जिस तरह से आप लोग स्व स्तुति करते हैं, मुझे बताइए ढाई साल तक हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, उसको अगर अमेरिका अपना एम्बेसडर भी नहीं देता है तो छवि कहां गई थी उस टाइम पर? मैं सवाल छवि कहां गई थी अमेरिका में जब वो आज राष्ट्रपति वहां पर? लेकिन आलोक शर्मा जी बड़ी विनम्रता से अगर चैनल को लेकर या एंकर को लेकर करेंगे तो मैं बोलूंगी। आलोक शर्मा जी ये तरीका ठीक नहीं है, आप यहां पर बीजेपी से अपनी जो भी आपकी असहमति हो वो जताइए यहां पर। आलोक जी जितना सम्मान सुधांशु जी को दिया जाएगा उतना ही आलोक शर्मा जी आपको भी दिया जाएगा, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे आलोक शर्मा जी तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है मुद्दों पर बात करते हैं, यहां पर आज तक पर चर्चा नहीं हो रही है। प्लीज आलोक शर्मा जी, बहुत विनम्रता से गुजारिश है आपसे, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि जो चीजें बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोलते आप अपनी तरफ से नहीं बोला करें। आपने तीन मिनट पहले ऐसा ही किया इसलिए मैंने चैनल पर आरोप पर एक काम कीजिए, आप मुझे सवाल लिख के भेज दीजिए बीजेपी के। आलोक शर्मा जी आप मुझे सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वही सवाल आपसे पूछ लूंगी। बहुत अच्छा है, पूरा देश देख रहा है कि आलोक शर्मा जी मुझे सवाल बता रहे हैं कि मुझे आपसे कौन से सवाल करने चाहिए कौन से नहीं। पूरा देश देख रहा है कि चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए क्या कर रही है, पूरा देश देख रहा है। मेरे से ज्यादा आप बोली हैं, सुनने का धैर्य रखिए आप लोग। मोदी जी की स्वस्तुति करना आपका G20 का आयोजन अच्छा हुआ या खराब हुआ ये बताइए। इसलिए आपको सुनना पड़ता है। G20 का आयोजन अच्छा हुआ या खराब हुआ? हाँ सुनाइए, आपको सुनने के लिए बैठे आलोक जी, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। मोदी जी, आप लोगों ने मोदी जी से सीख लिया है कि मोदी जी विपक्ष को बोलने नहीं देते और आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने दे रही, ये मोदी जी के पद चिन्हों पर है। आप मुझे लगता है शांति से सुनिए, मैं बड़े शांति से बात करनी शुरू की, लेकिन आप तीन बार बीच में उछले, इसलिए क्यों, कारण क्या है? उछले नहीं है, सवाल बर्दाश्त ही नहीं कर पाते शब्दों का। बीजेपी का प्रवक्ता शांति से बैठता है, उछले नहीं है, बीजेपी का प्रवक्ता, बीजेपी का प्रवक्ता, बीजेपी का प्रवक्ता मोदी जी की आलोचना सुन सकता है लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। आप शांति से सुनिए जरा, शांति से सुनिए जरा। अगर हमारे यहाँ पर पंडाल बनता है और इतने बड़े आयोजन में पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उस पंडाल में पानी भर गया और वो पंडाल का ठेका अभी तक जो खबर आ रही है उसमें बिना टेंडर के दिया गया, तीन चार कंपनियों ने सारे काम किए, क्या इसके ऊपर आलोचना नहीं होनी चाहिए? वो पानी जो पंडाल में भरा उससे तो पूरे देश में और विश्व में पूरा डंका बज रहा होगा। आप लोग किस तरह की बात करते हैं? जो सवाल उठाए जाने चाहिए वो सवाल उठाए जाएंगे। ब्रिक्स से आए, बड़ा ढोल नगाड़े पिटे। मैं चित्रा जी आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की ब्रिक्स समिट से क्या दो चीजें मिली जरा आप बता दीजिए। मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं जाता हूँ, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, ब्रिक्स सवाल पूछना मेरा अधिकार है, पत्रकार के तौर पर मैं बैठी हुई हूँ। चित्रा जी, चित्रा जी, चित्रा जी, चित्रा जी पत्रकार के तौर पर आप 10 सवाल पूछे हम उत्तर देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आप सवाल पूछेंगे तो वैसा ही उत्तर दिया ना। आप सवाल कल से बता दीजिएगा, मैं आपसे बहुत ढंका बजा। ठीक है आलोक जी, नाराज मत होइए, मेन मुद्दे पर बोलिए। प्लीज रुकिए, आपका ओपनिंग कमेंट आपका गलत था इसलिए आपको रोका गया। 53 देशों को अफ्रीका में कर्ज मुक्ति मिल जाएगी और हिंदुस्तान के ऊपर तीन गुना कर्जा हो गया, उसके ऊपर भी सवाल पूछ लें आप। पूछ लेती हूँ, दिखा रहा पता नहीं क्या बम बम। पूछ लेती हूँ मैं सुधांशु जी से। इतना ही, एक मिनट सुनिए ना मैडम, सुनिए ना मैडम, एक मिनट। आप पूरे मेरे वक्तव्य के बीच में बोलती रहिए क्योंकि आप बीजेपी की आलोचना नहीं सुन सकती हैं, इसलिए व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं मैं आपसे। आप सुनिए धैर्य से, सुनने की आदत डालिए आप लोग। 6-7 महीने हैं इनके, जा रहे हैं। वापस आता हूं मुद्दे पर। मैं एग्रीकल्चर की बात आई भाई, हमारे यहां पर एग्रीकल्चर में प्रति व्यक्ति आए 32 रुपए से घटकर 27 हो गई, लेकिन पूरे विश्व को विश्व गुरु साहब एग्रीकल्चर में इनकम कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में बता रहे हैं।
हमारे यहाँ पर सूखे की सिचुएशन है, उससे निपटने के लिए नीति आयोग से संबंधित एक मीटिंग नहीं हुई, लेकिन पूरे विश्व को हम बता रहे भाई बहुत अच्छी बात है, G20 पे आपने 20-25-30 हजार करोड़ रुपया केवल एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के पेट्रोल पंपों पे एक ही चेहरा लगा दिया, पूरा विश्व का मीडिया कह रहा है कि हमारे राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गए थे क्या, एक व्यक्ति की स्तुति में हिंदुस्तान के मीडिया ने एक एजेंडा जो G20 का होना चाहिए था वो आप लोगों से सेट नहीं हो पाया। सुधांशु, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया से सर हो गया आलोक जी, कब तक मीडिया पे चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया है भाई? मैं अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन से एक बार कंफर्म करती हूँ कि आपको क्या ये बताया गया था कि हम मीडिया पर चर्चा करने के लिए? सर आप कितना भड़क रहे हैं आलोक जी, मैं बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं होना चाहती, ना मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ, आप बड़े प्रवक्ता हैं आलोक जी, आप अच्छा बोलते हैं, आपको ऐसे कुतर्क करने की जरूरत नहीं है, और एंकर को कोस कर सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं आलोक जी, प्लीज कुतर्क करने के लिए नहीं बुलाए हैं, मुद्दे पर बात करते हैं आलोक जी, अब व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, अब मीडिया पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं आलोक जी प्लीज। सुधांशु जी वो कह रहे हैं एक ही चेहरे को चमकाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, और भी जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए आप। मैं सारी बातों का हो गया आलोक जी, हो गया, तथ्यात्मक और सैद्धांतिक दोनों उत्तर देता हूँ। देखिए चित्रा जी, जो कुछ इन्होंने किया उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपको जो विजुअल दिखाया जा रहा है राजघाट पे, ये सभी विश्व के शक्तिशाली नेता महात्मा गांधी की समाधि पर उनको श्रद्धांजलि देने गए। चित्रा जी आपकी तो बिसाथी क्या है, देश तो है क्या, ये तो अपने नेता की आलोचना करने को तैयार। अरे भाई 75 साल के इतिहास में पहली बार दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 लोग महात्मा गांधी की समाधि पर एक साथ गए, उस पर ही एक अच्छी लाइन बोल देते। चलो ये तो हमें अच्छा लगा, क्योंकि आप तो गांधी जी के वन एंड ओनली कॉपीराइट होल्डर हैं। अरे वो भी मुंह से नहीं निकला, सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई है मोदी जी ने, एक कांग्रेस का नेता आज तक नहीं किया। तो जब चित्रा जी ये सरदार पटेल और गांधी जी का सम्मान करना नहीं जान सकते, अगर मोदी जी का नाम जुड़ जाए तो मीडिया और आप ये सब तो है ही क्या, इसमें कौन सा, बस मोदी जी के प्रति ईर्ष्या में इस कदर है कि अपने पुरखों का भी अपमान करने को तैयार है, उसके लिए भी दो लाइन बोलने को तैयार नहीं। अब एक तथ्यात्मक जवाब देता हूं, किसान को क्या मिला भाई साहब, सुनिए, MSP 1.5 गुनी हो गई और आपको लगता है कि किसान की आय घट गई। अब मैं बताना चाहता हूँ इस G20 में बायोफ्यूल अलायंस, ये बायोफ्यूल अलायंस ये होता है कि पेट्रोल में बायोलॉजिकल फ्यूल इन्वॉल्व होता है, इसमें कौन 3 देश शामिल है, अमेरिका, ब्राजील और भारत, क्योंकि बायोफ्यूल दो ही चीजों से बनता है, मेज यानी मक्का और दूसरा है गन्ना। मक्का सबसे ज्यादा अमेरिका और ब्राजील में होता है, गन्ना सबसे ज्यादा भारत में होता है। हमारी सरकार आने से पहले पेट्रोल में ब्लेंडिंग 1% थी, अब 10% हमने 2022 में अटेन कर लिया, 2025-26 में 20% होगा। मान्यवर जब ये बायोफ्यूल का बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा गन्ने के किसान को फायदा होगा, और दो राज्यों में जहां सबसे ज्यादा गन्ना होता है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, वहां के किसानों को स्ट्रक्चर्ड फायदा इंटरनेशनल मार्केट का मिलने जा रहा है। मगर अब ये राहुल गांधी जी की बुद्धि को कहां समझ में आएगा जो मोदी जी के विरोध का घड़ा का चश्मा इतना लगा हुआ है, कहते पानी भर गया। भाई पानी भर गया तो पानी भरा हुआ दिखाई का है नहीं पड़ा, मगर इसके बावजूद केवल ये देखना है, जिसे कहावत होती है कि पी ना पाए तो ढरका जरूर दे, तो नहीं किसी पे आरोप लगाने लगेंगे, देश पे आरोप, देश की सेना पे आरोप, देश की विदेश मंत्रालय पे आरोप, मीडिया पे आरोप, जुडिशरी पे आरोप, और सुनिए इलेक्शन कमीशन पे आरोप, ईवीएम पे आरोप। तो इसीलिए मैंने कहा चित्रा जी आपकी तो साथी क्या है, ये तो सबको लपेट देते हैं। बोलिए आलोक जी उनके आरोपों पर जवाब। चित्रा जी मैं कह रहा हूं कि अभी मैंने कहा कि 53 देश तो कर्ज मुक्त हो जाएंगे और हमारे देश पर 3 गुना कर्ज हो जाएगा, उसका जवाब नहीं है। इन्होंने कहा साहब विकास फंड बनेगा और कर्ज मुक्ति फंड बनेगा, और हमारे यहां भी इन्फ्लेशन फंड बना था। हम पूछ रहे हैं अगर इन्फ्लेशन फंड से मोदी जी का अर्थशास्त्र इतना अच्छा है तो हमारे यहां महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? हमारे यहां तो 1150 रुपए का सिलेंडर बिकेगा, तब तो कहा जाएगा कि विकास के लिए हम सिलेंडर की कीमत बढ़ा रहे हैं, और 200 रुपए घट गए तो अब कहेंगे साहब विकास बंद। खैर बायोफ्यूल अलायंस होगा, लेकिन हम ये सवाल पूछेंगे कि देश की राजधानी पिछले साल ही 2 महीने पर्यावरण की समस्या के पॉल्यूशन के कारण 2 महीने स्कूल बंद रहे, 2047 में क्या होगा, 45 में क्या होगा, यह बहाने बनाने छोड़ दीजिए आप लोग। 2022 में किसान की आय डबल होनी थी, आज आप पूरे विश्व को किसानों पर पूरी तरह से ज्ञान दे रहे हैं और अपनी आय घट गई। यहां पर हम सवाल भी नहीं पूछेंगे, विश्व गुरु साहब ने पता नहीं क्या कर दिया, हम केवल ये पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि किसानों को, शुगर केन के किसानों को फायदा होगा। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो बकाया है उनके बकाया दिलवा दीजिए,
और अगर 14 दिन में नहीं देंगे तो उनको किसानों को उनका ब्याज देना पड़ेगा। आज तक ब्याज नहीं दिया आप लोगों ने, लेकिन पता नहीं 2020 में क्या होगा, 25 में क्या होगा, 40 में क्या होगा। आप देश को केवल और केवल गुमराह करते हैं। मेरा सवाल था कि लगभग 20,000 करोड़ रुपया विश्व गुरु की छवि को बनाने के लिए खर्च हुआ, देश को क्या मिला वो कैटेगरी के लिए पता चलना चाहिए। जब ब्रिक्स देश से प्रधानमंत्री लौटे थे, सम्मेलन थे, तो वो तो बाद में सोशल मीडिया पर खबरें आई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहां पर बैठने के लिए भी एक जगह सोफे पर नहीं कहा गया। हम सवाल नहीं पूछेंगे, देश की छवि क्या बढ़ रही है उस चीज से? आप केवल और केवल अपनी छवि और 2024 के इलेक्शन के लिए अगर खर्चा करेंगे तो हम सवाल पूछेंगे आपसे। अगर पंडाल में पानी घुसेगा तो हम पूछेंगे कंपनी गुजरात की तो नहीं, हम बिल्कुल पूछेंगे। हम विपक्ष हैं और विपक्ष की तरह सवाल पूछेंगे। न प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दूंगा, न देश को कुछ पता चलने दूंगा। अगले दिन पूरा मीडिया मेरी स्तुति करेगा और मैं बल्ले बल्ले करके चला जाऊंगा। अब हम नहीं जाने देंगे। मेरे सीधे सवाल, देश को क्या मिला देश को बताया जाए। क्या चीन पीछे हट जाएगा बताया जाए। चीन और रूस क्यों नहीं आए बताया जाए। देश को पता चलना चाहिए। आज 48 घंटे के करीब हो गए, ठीक है सर, बल्कि 72 घंटे आयोजन को शुरू हुए। हम पूछना चाहते हैं कि रशिया के आलोक जी, मैंने आपको आपके पहले रिमार्क में इसलिए टोका था क्योंकि आप अब मैं आगे आते हुए दो और मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे मैं टिप्पणी लूंगी, लेकिन सुधांशु जी आप देशों को तो कर से आप मुक्ति दिला देंगे, हिंदुस्तान का क्या होगा? चलिए मैं आलोक जी को चुनौती से पूछता हूं कि ये G20 जितने देश GDP रेशियो हमसे बेहतर हो, एक देश बता दे जहां महंगाई हम विकास की तरह से ज्यादा हो। चलिए जवाब दे, बस एक लाइन पूछेंगे जवाब दे दीजिए, बाकी यहां है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि हमारे बहुत विद्वान व्यक्ति घनश्याम तिवारी जी बैठे, मैं पढ़े हुए हैं, मैं सवाल तो ये सवाल पूछा उत्तर देता हूं। डेट टू जी देश का भारत से बेहतर है, महंगाई की दर कहां हमसे कम है, बताइए। अब सुनिए ना जरा उत्तर, उत्तर दी सुनिए। 20 देशों में कितने नंबर पर है? गया, अरे भाई जवाब दीजिए ना, महंगाई की दर का पर कैपिटा इनकम नंबर है हमारा। अब सुनिए ना जरा, सुनिए आप, अब आपका समय उत्तर देने का है। 20 देशों में पर कैपिटा इनकम में एक दूसरे को सवाल ही टॉस करते रहेंगे, जवाब कौन देगा? ठीक है सर, अब उस पर अभी कल G20 सर चर्चा करते रहेंगे आलोक जी, पूछेंगे जवाब कोई नहीं देगा, इसमें नहीं फंसते हैं, ये तू तो मैं में नहीं फंसते हैं। प्लीज G20 जैसा एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ आलोक जी, आपके जो सवाल है आप पूछिए, ये अच्छी बात है आप सवाल पूछेंगे, लेकिन इस तरह से ठीक है सर, आप उनसे सवाल पूछे वो उनसे सवाल पूछे, बाकी तो मैं मानो की बारी ही नहीं आएगी। फिर बात ये है कि सवाल सरकार से पूछे जाएंगे, विपक्ष से पूछे तो जाएंगे। सर मैंने यहाँ पर आपको क्यों बुलाकर रखा हुआ है आलोक शर्मा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके हाँ में हाँ बुलाने के लिए मैंने शो में बुलाया है आपको? आपको ये नहीं लगना चाहिए, आपको नहीं लगना चाहिए आलोक शर्मा जी, और अगर ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है, कल से ध्यान रखिएगा। घनश्याम तिवारी जी आपके पास आते हुए, G20 से क्या दिक्कत हो गई है? इतना बड़ा आयोजन हुआ है, देश का मान बढ़ा है, पहली बार इतने देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इस तरह के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर पाने में, तमाम मुद्दों पर सहमति बना पाने में, 83 पैराग्राफ पर सहमति समझते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन के जरिए, क्यों G20 आंखों में इतना चुभ रहा है विपक्षी दलों को? घनश्याम तिवारी जी नमस्कार। चित्रा जी आपको, दर्शकों को और पैनलिस्ट को, तीन बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात, जो G20 की उपलब्धि है, तो इसमें मैं देश के प्रधानमंत्री को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी को, अमिताभ कांत जी को और G20 की समूची टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय अवसर का बेहतरीन उपयोग किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, डिप्लोमेसी के मंच पर G20 में देश ने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की कि एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, उसमें अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ और उसके साथ साथ एक अच्छा संदेश पूरे विश्व में गया है कि भारत मजबूती से डिप्लोमेटिक सर्कल में एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात की G20 के आयोजन का मॉडल, अगर आप मीडिया की खबरें ही देखिए कि प्रति किलोमीटर में लगभग 20 पोस्टर मोदी जी के लगे हुए थे,
देश के चप्पे चप्पे पर पोस्टर लगे हुए हैं मोदी जी के। आज 4,000 करोड़ खर्च हुए हैं, अगर 40,000 करोड़ भी खर्च हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके समर्थन में बोलने वाले लोग यही कह रहे होते कि शानदार आयोजन हुआ। हम एक ऐसा देश है जहां पर देश के प्रधानमंत्री 9 साल से अपनी गरीबी की मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब वाकई देश को की तस्वीर दुनिया के सामने रखने का समय आया तो उन्होंने देश के गरीबों को ढक दिया, दिल्ली में देश के गरीबों को ढक दिया, और जो जानवरों के साथ बर्ताव हुआ उसकी वीडियो मीडिया नहीं दिखाए, हमने नहीं दिखाए। तो और ढका सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग नहीं देख सके, देश के गरीबों को इस तरीके से ढका के उनके ऊपर मोदी जी की तस्वीर दिखाई दे। और इसमें प्रधानमंत्री की आलोचना भी होती रही है कि अपनी गरीबी की मार्केटिंग करते हुए वो एक व्यक्ति को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में आपका आम दर्शक पूछ सकता है कि चाहे 4,000 करोड़ खर्च हुआ हो या 40,000 करोड़ खर्च हुआ हो, ये इसमें आम व्यक्ति को क्या फायदा होगा। जो तीसरी बात जो है देश के हालात की बात, देश के हालात जिस तरीके से हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है आपकी, जी 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 बोले आपकी बीच आवाज कट रही थी। उसमें सवाल सरकार के सामने है कि एक संसद का सेशन ऐसा बुलाया गया है जिस सेशन का एजेंडा न सुधांशु जी को पता है, न आपको पता है, न देश के 140 करोड़ लोगों को पता है। ठीक है, जहां पर केवल सेशन के बाद में बात कर लेंगे, अभी G20 पर ही रहते हैं, G20 पर ही रहते हैं, क्योंकि देश के बड़े हिस्से में सेलिब्रेशन का भी ये मौका है। और अलग अलग हिस्सों में हम सब ने देखा बीते कई महीनों से कैसे G20 के कार्यक्रम को लेकर जाया गया और आम लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ वाजिब सवाल भी विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए अरविंद वाजपेयी जी, जो सवाल घनश्याम तिवारी जी ने पूछे हैं। घनश्याम तिवारी जी ने तो बधाई दी है सबको, घनश्याम तिवारी जी ने क्या पूछा है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम है उसको पॉइंट आउट हुए 2009 से लगातार 14 से करते आ रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आज ये अपने आलोक शर्मा जी जो है इन्होंने कहा है कि पानी क्यों भर गया, पानी क्या भर गया, मतलब बारिश आई तो थोड़ा पानी भर गया, उसको वो मुद्दा है क्या? अरे भाई विश्व पटल पे 21 देशों के जो सबसे टॉप की कंट्रीज हैं इकोनॉमिक के हिसाब से वो हमारी कंट्री में आके वाहवाही कर रहे हैं, इनका क्या राजनीतिक दिवालियापन निकल गया सोच का, मतलब क्या हो गया हम तो समझ ही नहीं आ रही। क्वेश्चन पूछने को मनाही नहीं है, लेकिन समय क्या है, क्या पूछ रहे हो, कौन सा मौका है, कौन सा पटल है, ये तो ध्यान में रखेंगे। और यही राहुल गांधी कर रहे हैं, ये इनका दोष नहीं है, राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं, विदेशों में जाके आप क्रिटिसाइज करे जा रहे हो, मतलब हम तो समझ नहीं पा रहे ये क्या सेल्फ गोल कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, इसको जनता इसको अप्रिशिएट करेगी कि गुजरात की कंपनी को ठेका दे दिया बगैर टेंडर के, ठेका दे दिया। अरे एक्सीजेंसी जब होती है तब टेंडर नहीं देखा जाता, काम देखा जाता है, कितने लोगों ने तारीफ की है, ये मौका कहां मिलेगा। और देश के पिता गांधी जी उनकी समाधि पे 21 राष्ट्रीय अध्यक्ष टॉप के जाके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये विजुअल आपको कहीं देखने को मिली आज तक? ठीक है, और माफ करना कांग्रेस में जब शुरू में एशिया 72 गेम्स कराए थे आपने, क्यों कराए थे भाई? हाँ। फिर उसके बाद 82 कराए थे, क्यों कराए थे भाई? मतलब ये क्या, हम तो बिल्कुल सहमत नहीं है इनकी बातों से, बिल्कुल किसी तरीके से सहमत नहीं है, ये कंप्लीट केस राजनीतिक मानसिक दिवालियापन का है जो इस तरह की बातें करके ये सेल्फ गोल कर रहे हैं। और यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए मुझे लगता है कि कुछ सच सामने रख देना चाहिए, कुछ दलों की ओर से लगातार ये बातें कही जा रही है कि भारत सरकार ने G20 के लिए आवंटित फंड से 3 गुना अधिक खर्च कर दिया है। भारत सरकार के पत्र सूचना विभाग ने यह साफ किया है कि यह दावा बिल्कुल फर्जी है। सरकार ने कहा है कि इसमें भारत मंडपम जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो खर्च हुआ है उसे G20 के खर्च में नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि वो विकास का काम है, विकास के काम के तहत खर्चा किया गया है, उसको अच्छा बनाने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ साथ ये बात भी जो लगातार कही जा रही है पानी भरने की, कि पूरे के पूरे भारत मंडपम में, चूंकि एक बहुत बड़ा एरिया है जो कवर करता है, हम लोग भी लगातार वहां पर बीते 2 दिनों से थे, तो कम से कम जिस तरह की तस्वीर बार बार बताई जा रही है, आलोक शर्मा जी उसके बाद आप जवाब दीजिएगा सुधांशु त्रिवेदी जी, वो बात तो सच नहीं है। और यहां पर जो जानकारी दी गई है भारत सरकार के पत्र सूचना विभाग की ओर से, उसने कहा है कि गलत बयानी किया जा रहा है विपक्ष की ओर से, भारत मंडपम जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो खर्च हुआ है G20 के खर्च को उससे नहीं जोड़ सकते हैं आप, आलोक जी मिसलीड कर रहा है विपक्ष। मुझे लगता है मिसलीड ये सरकार करती आ रही है पिछले 9 वर्षों से,
और पूरी तरह से मिसलीड करती आ रही है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि सही बता दो भाई, ये पूरे हिंदुस्तान के जो जितने पेट्रोल पंप हैं उनके ऊपर जो एडवर्टीजमेंट लगा उसकी कॉस्टिंग क्या है, जरा आप बता दीजिए भाई। हमारे साथ ही बैठे हैं बीजेपी के सुधांशु जी, उसकी कितनी कॉस्टिंग आई होगी जरा उसका अंदाजा आप बता दीजिए। 4000 करोड़ नहीं है ये, 20,000 से 25,000 से 30,000 करोड़ के अगर वैल्यूएशन आएगी तो। लेकिन उनकी सरकार है, उन्हीं का सरकार का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो क्या जवाब देगा, पूरा देश देख रहा है। ये जितने एडवर्टीजमेंट हुए थे, जितने होर्डिंग्स लगे थे, किसी पर नहीं लिखा था नीचे किस डिपार्टमेंट ने छपवाए हैं ये, ये किसने छपवाए थे, कहां से छपे थे हमें नहीं पता। चंद्रयान तक में मोदी जी का इतना बड़ा फोटो और चंद्रयान छोटा सा, ये एक व्यक्ति के चेहरे को चमकाने की जो नीति है अब ये देश समझ चुका है। फिर भी हम कहेंगे कि G20 में अगर देश के लिए अच्छा होता है हमारे लिए खुशी है, लेकिन हम ये भी सवाल पूछेंगे कि अगर कुत्ते बुल्लियों के साथ जिस तरह का अमानवीय ट्रीटमेंट हुआ, भाई 15 साल से तो आप ही की कॉरपोरेशन थी दिल्ली में, उस समय पर क्यों नहीं कंट्रोल किया गया। पूरे विश्व में अगर कहीं पर देश की आलोचना होती है कि वहां पर पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है तो क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा। 15 साल से कॉरपोरेशन किसकी थी, ठीक है, ये एनडीएमसी का एरिया पिछले 9 सालों से किसके अंदर था। लेकिन G20 पर ही रहते हैं सर, थोड़ा सा G20 की उपलब्धियों की भी बात कर लीजिए आलोक जी। मुझे ये लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि खुशी है, लेकिन वो खुशी दिखाई तो नहीं दे रही है ना, आपके शब्दों के जरिए आपकी बॉडी लैंग्वेज के जरिए वो दिखाई नहीं दे रही है, इस वजह से सवाल पूछा जा रहा है। क्या G20 में सब कुछ बुरा हुआ है आलोक शर्मा जी? आपकी बातों से यही नजर आ रहा है कि G20 कराकर सरकार ने न जाने क्या कर दिया है। मुझे केवल ये बता दीजिए, हमने नहीं कहा कि G20 क्यों कराया, किसी ने नहीं कहा है। आप मेरे मुंह में शब्द ना रखें। यहां पर बड़े बड़े आयोजन हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे हुए, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में वो इस्तेमाल हुआ है मैक्सिमम। आज चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे कोई और चीजें हो, चाहे वो होटल्स हो, मैक्सिमम वो हुआ है जो 82 के एशियाड में या कॉमनवेल्थ गेम्स में कांग्रेस की सरकारों ने बनाया है। ये तमाम जो होटल्स हैं, ताज और मोरिया शेरेटन, तमाम ये 82 के एशियाड के समय पे बने थे। हम उसमें भी नहीं जाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, देश का है, देश की राजधानी दानी का है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, आपने एक भारत मंडपम बनाया, उसके पानी को नहीं रोक पाए आप लोग, और शीला दीक्षित यहाँ पर 50 से ज्यादा बड़े बड़े फ्लाईओवर और इतनी बड़ी मेट्रो लाइन बिछाकर चली गई, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है सुधांशु जी, देखिए समस्या ये है कि ये मोदी जी के प्रति ईर्ष्या द्वेष में इतने कुंठाग्रस्त हो गए कि इन्हें सत्य दिखता नहीं। बार बार कह रहे हैं एक आदमी को चमकाने के चक्कर में, आलोक जी अरे एक आदमी के नाम के चमकाने के चक्कर में तो इस देश के टुकड़े हो गए थे, निपटा दिया था देश को, और फिर एक आदमी को बनाने के चक्कर में आपकी पार्टी के टुकड़े हुए थे। याद करिए आज जो आप कांग्रेस हैं, 1978 में कांग्रेस आई बनी थी, इंदिरा कांग्रेस, और आप एक परिवार के दूसरे आदमी को बनाने के चक्कर में पार्टी निपटा दी। तो भाई एक आदमी के चक्कर में आप देश की जब आप बोल रहे थे वो शांति से आपको सुन रहे थे, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज आलोक शर्मा जी, जैसे उन्होंने आपको शांति से सुना है आपको भी धैर्य दिखाना चाहिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, ये तरीका ठीक नहीं है आलोक जी प्लीज। अरे भाई एक आदमी को, अरे इतना चमकाया जवाब दिया है, थोड़ा सा आलोक जी इतना जबरदस्त चमकाया एक आदमी ने, प्लीज आलोक शर्मा जी प्लीज। मान्यवर मानता हूँ अनकंफर्टेबल फैक्ट है, बहुत इतना इतना वो व्यथित नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के मगर फैक्ट तो अरे सर आपने भी एशिया आसियान का जिक्र किया, आपने बताया कि इंदिरा गांधी के समय में ये होटल बनाए हैं, तो उसका जवाब देंगे या नहीं देंगे? आलोक शर्मा जी ऐसे एक तरफा बातें नहीं हो सकती है, आलोक शर्मा जी प्लीज एक तरफा बातें नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल गलत है, आप इस तरह से आगे डोमिनेट नहीं करेंगे। और बिल्कुल सर बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में आप एक आलोक शर्मा जी आप मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो मैं उतनी ही बात टोकूंगी। मुझे लगता है जिस तरह से सुधांशु जी ने धैर्य दिखाया है आपको सुनने के लिए, आपको भी वैसा ही धैर्य दिखाना चाहिए उनके बारे में। प्लीज आलोक शर्मा जी उम्मीद करती हूं आप जो भी बोल रहे हैं, वरना मैं ऑडियो डाउन कर, मैं एक बात पुनः रिपीट कर दूं कि हमारे विद्वान प्रवक्ता लोग यह नहीं बता पाए कि कौन सा G7 या G20 देश ऐसा है जहां महंगाई की दर हमसे कम है और विकास की दर हमसे अधिक है। हम इस समय परिस्थितियों में सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था है। IMF ने कहा है 7.8% की ग्रोथ रेट है, जो पहली बार भारत दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नंबर 1 है। और ये जो आप कहते हैं
ये पर कैपिटा इनकम ये सब इंक्लूड करके बोलता है एमएफ, ऐसे नहीं बोलता है वो, आपकी पार्टी की तरह नहीं है कि वो अपने मन से कह दे कि इसको सारी चीजें इंक्लूड करके बोलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का मानक है जिसके अनुसार भारत की स्थिति। अब हम जी इस पे बताना चाहते हैं G20 में इतनी बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है कि अफ्रीकन यूनियन को मोदी जी ने इसी समिट में परमानेंट सदस्य बना लिया। अब अफ्रीकन यूनियन का क्या है, भारत को जब ग्रोथ इंजन बनना है तो दो जगहों पर हमारे लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, एक ईस्ट में यानी आपका कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया जिसको हम फार ईस्ट कहते हैं, और दूसरा अफ्रीकन कंट्रीज। आज अफ्रीकन कंट्रीज में जहां पर कि चाइना अपना प्रभाव इन दोनों क्षेत्रों में बढ़ाता चला जा रहा था, आप देखिए कि G20 से एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी जकार्ता गए आसियान देशों में और उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज को लाए तो आप मान लीजिए, और हमारा बड़ा गहरा संबंध है इन देशों से, अरे इतना ही बोल दीजिए ना भाई, साउथ अफ्रीका से ही महात्मा गांधी ने राजनीति की शुरुआत की थी, हमारा गहरा संबंध है अफ्रीकन देशों से, वो हमसे अटैचमेंट महसूस करते हैं। और जहां तक ईस्टर्न कंट्रीज थे, इंडोनेशिया है, उसकी कैपिटल जकार्ता है, मैं पहले ही बोल चुका हूं उसका प्राचीन नाम जयकार्ता है, और आज भी जाके देख लीजिए जकार्ता के बगल के प्रोविंस का नाम योगकर्ता, वहां दो बड़े प्रोविंस थे जयकार्ता और योगकर्ता, भारत के साथ पूरा संबंध है। और इससे जो भविष्य में हमारी कंपनियां आगे बढ़ेंगी, और चेक कर लीजिए विदेश में जहां हमारी कंपनियों के पास सबसे ज्यादा संभावना है वो इन्हीं अफ्रीकन और इन कंट्रीज में है। तो इसके द्वारा जो मोदी जी ने परिस्थिति बनाई है वहां पर चाइना, और आप देखिए जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बना है, आपको इससे बड़ी स्थिति नजर नहीं आ रही, सऊदी अरब, आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस उसके बाद रुक के आज एक दिन भारत के साथ ट्रेड के समझौते में बातचीत कर रहे हैं, जिनका कि इन्वेस्टमेंट पैसे का और हम उनके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसके बावजूद आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा, वो सऊदी अरब जिसको पाकिस्तान अपना सबसे खाम खाम मानता था, हम सफर हम निराला हम प्याला, वो क्राउन प्रिंस गए नहीं वहां, एक दिन एक्स्ट्रा यहां रुक लिए। मान्यवर अगर इसके बाद भी किसी को समझ में ना आए तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिर तैसी। यही भावना है क्या आलोक शर्मा जी कांग्रेस की आपकी? और एक और सवाल, ये जो डिनर आयोजित किया गया था उसको भी लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर बवाल चल रहा है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ममता बनर्जी क्यों चली गई वहां पर, अमित शाह और योगी जी के साथ डिनर पर क्यों बैठ गई जबकि उनके अध्यक्ष को बुलाया नहीं गया था, जबकि आके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए थे, नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए थे, जिनके साथ खिलखिलाती हुई तस्वीरें सामने आई जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो ये तस्वीरें भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्यों चुभ रही हैं? आलोक शर्मा जी आपके भी तो मुख्यमंत्री गए थे हिमाचल प्रदेश के, एक दोबारा और रिपीट करना हो तो आप कर सकते हैं वैसे। आलोक शर्मा जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है। आलोक शर्मा जी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे। आलोक शर्मा जी ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। आप मुझे लगता है, मुझे लगता है मीडिया के कुछ साथियों ने भी बहुत ज्यादा डाइवर्ट था हमारे साथ, इसलिए भी हमें दिख कहना पड़ता है, हमारे साथ भी बहुत ज्यादा हुआ है। हमारे प्रवक्ता आप ही के चैनल पर बैठते हुए अपनी जिंदगी को छोड़कर चले गए। वापस आता हूं मैं, आप सुनिए जरा, थोड़ा सा रहम आप भी रखा करें, विपक्ष है हम, कोई बाहर के नहीं, विदेशी नहीं है हम लोग। आलोक शर्मा जी आप कहां की बातों को कहां लेकर जा रहे हैं, आप अपना टोन पहले ठीक करें सर, आप एक चैनल की एंकर से बात कर रहे हैं सर, ये तरीका नहीं होता है। आलोक शर्मा जी मैं बहुत विनम्रता से बोल रही हूं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा फुल फ्रेम में तस्वीरें दिखा दीजिए, आलोक जी को नहीं गई होंगी। यहां पर ममता बनर्जी, ये देखिए नीतीश कुमार खिलखिलाकर हंस रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हेमंत सोरेन साथ में है, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं, हेमंत सोरेन है, साथ में और भी नेता दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ टेबल पर डिनर करने क्यों पहुंच गए, इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी जी आप ही के नेता सवाल पूछ रहे हैं। आलोक शर्मा जी ये सवाल है, मुझे लगता है 40 मिनट में आपने 4 बार रिपीट किया है ये, और मैंने यही कहा था कि एक बार और रिपीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मुझे उत्तर तो देने दीजिए मैडम। आप कह रहे हैं विनम्रता से, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आजकल आप ही लोग देश चला रहे हैं एंकर लोग, हमें बोलने तो दो कम से कम। पूरे शो को घर जाके देखिएगा चित्रा जी, आप मुझे बोलने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। वापस आता हूं, मालदीव्स और श्रीलंका में चाइना का इतना इन्फ्लुएंस बढ़ा, हम उसको नहीं रोक पाए, लेकिन अफ्रीका में हम ऐसा कर देंगे, 20 साल में हम ऐसा कर देंगे। अरे भाई आप केवल ये बताइए बर्मा में क्या हुआ उसको रोक पाए, और वो तो सब छोड़ दीजिए, नेपाल जो हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी था, नेपाल में उनका संविधान भी चीन से छपकर आया, और जो 62 दिन का मधेशी आंदोलन हुआ उसके अंदर क्या देश की भूमिका रही, सबसे फेल विदेश नीति इस देश के प्रधानमंत्री के समय कार्यकाल के अंदर रही है। रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त था,
आज वो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, लेकिन मोदी जी तो विश्व गुरु हैं, हमें बोलने भी मत दो आप लोग। रशिया के मुद्दे पर क्या कामयाबी नहीं हासिल हुई है? आप सोचिए, पश्चिमी देश लगातार दबाव बना रहे थे, उसके बावजूद यहां पर रशिया का नाम नई यूक्रेन के साथ शामिल कराया गया। प्रधानमंत्री जी की ओर से भी और भारत सरकार ने जो कोशिश की उसमें कहा गया कि G20 आर्थिक उद्देश्य के लिए बनाया गया संगठन है, रशिया को लेकर हिंदुस्तान का स्टैंड साफ रहा आलोक शर्मा जी, और रशिया भी तारीफ करके गया है। कहूंगा रशिया से कच्चा तेल, एक मिनट सुने, जरा सुने ना, रशिया से भी सब कुछ हुआ, लेकिन रशिया पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है ये भी सच है, ये पहले नहीं हुआ कभी भी इतिहास में, लेकिन अब हुआ मोदी जी के आने के बाद। नेपाल जितना हमसे आज दूर है और चीन की गोद में है इतना कभी नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। मुझे लगता है कि तथ्यात्मक देखना चाहिए। ठीक है, फिर मैं भी एक तथ्य बता देती हूँ, उसके बाद सुधांशु जी जवाब देंगे। सर, एक तथ्य ये भी है कि हमारे ही देश के प्रधानमंत्री बोलते रहेंगे, एक वक्त पर बिल्कुल बोलूंगी सर, ठीक है, एक ऑडियो डाउन किया जाए, बिल्कुल बोलूंगी सर, बिल्कुल बोलूंगी आलोक जी, तथ्यों पर बात कर रही हूँ और आपको सुनना पड़ेगा। आलोक शर्मा जी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात सुनिए, आप इस तरह से शो को हाईजैक नहीं कर सकते हैं और ना आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल सकते हैं कि नहीं यही बोलिए, और आप मुझसे सवाल पूछने के लिए ये नहीं बता सकते हैं कौन सा सवाल मुझे पूछना चाहिए कौन सा नहीं पूछना चाहिए। आलोक शर्मा जी, इसी भारत की एक प्रधानमंत्री अमेरिका जाती है व्हाइट हाउस में, उनको घंटों वहां के राष्ट्रपति बिठाकर रखते हैं, भाव नहीं देते हैं, बदलते वक्त के साथ अगर चीजें बदल रही हैं, व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता है, वहां पर तमाम जितने भी एनआरआई इंडियंस हैं उन सभी को बुलाकर वहां पर वेलकम किया जाता है, क्या ये चीजें हिंदुस्तान जश्न के तौर पर नहीं देखे? इस बात को सोचना चाहिए, किसी के विरोध में भारत का विरोध नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि G20 का जो आयोजन हुआ है, दो शब्द अगर उस पर भी तारीफ के आप कह देते तो मुझे लगता है कि शायद हमारे ये कार्यक्रम सफल हो जाता। हमेशा एक ही नजरिए से किसी चीज को नहीं देखना चाहिए। G20 के जरिए यकीनन शानदार बेहतरीन आयोजन के जरिए एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने में हिंदुस्तान कामयाब हुआ है। ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आए थे उनकी ओर से ट्वीट में भारत की सफलता को लेकर, भारत की इस कामयाबी को लेकर जो बातें कही गई हैं उसको आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।